नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कुंभेश्वर मंदिर के बारे में। कुंभेश्वर शूलपाणेश्वर से कुछ आगे चलकर वानरेश्वर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कुंभीवन में जियोर जीभूतपुर गांव के समीप कुंभेश्वर महादेव का एक विशाल मंदिर है। कुंभेश्वर महादेव की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार शनिदेव मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से अपने क्रोध को शांत करने का उपाय पूछा। बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि कुंभेश्वर जाकर तप करो, उससे तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। शनिदेव ने देवगुरु से जानना चाहा कि कुंभेश्वर की विशेषता क्या है। उन्होंने बताया कि भृगु ऋषि के पौत्र मार्कंडेय जी ने एक बार बड़ी कठोर तपस्या की। उन्होंने 9 दिनों में चारों वेदों का पारायण कर डाला। विधिवत वैदिक पारायण करने के बाद उन्होंने कलश का पूजन कर उसका उद्यापन किया। उसी समय उस कलश से एक लिंग प्रकट हुआ और शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि कोई वर मांगो। मार्कंडेय जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपसे मैं यही वर मांगता हूँ कि आप सदा यहीं पर विराजमान रहें। भगवान शंकर जी ऋषि की बात स्वीकार कर हमेशा वहाँ निवास करते हैं। देवगुरु से कुंभेश्वर की कथा सुनकर शनिदेव में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उन्होंने कुंभेश्वर महादेव पहुंचकर 1000 वर्ष तक कठिन तप किया, जिससे उनको अपूर्व शांति प्राप्त हुई। कुंभेश्वर महादेव के स्थान की महिमा बहुत है। यहाँ पर स्नान करने का भी बहुत महत्व है। इस शिव तीर्थ की स्थापना आदि कल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी और दूसरे कल्प में इसकी स्थापना भगवान विष्णु ने स्वयं अपने हाथों से की थी। तीसरे कल्प में देवताओं के राजा इंद्र ने यहाँ तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसके कारण इस स्थान का नाम शक्रेश्वर पड़ गया था। यही मेघेश्वर भी कहलाते हैं। भगवान विष्णु ने यहीं पर वृत्रासुर के साथ युद्ध किया था। इसी प्रकार चौथे कल्प यम धर्म ने यहीं तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। उनकी तपस्या के कारण यहाँ का नाम धर्मेश्वर तीर्थ हो गया। उसके बाद 5वें कल्प में वरुण ने भी यहाँ घोर तप किया तो उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई और यह लिंग वरुणेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब 6वें कल्प में कुबेर ने यहाँ तपस्या की और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई तब इस स्थान का नाम धनदेश्वर से विख्यात हुआ। तदनंतर 7वें कल्प में ऋषि मार्कंडेय जी ने साधना की और वेद पारायण के द्वारा सिद्धि प्राप्त की। उनके सिद्धि प्राप्ति के बाद से ही यह स्थान कुंभेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हो चला। गोचर से शनि जब कुंभ राशि पर आते हैं तो उस समय इस स्थान का विशेष महत्व होता है। गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद जब तक कुंभेश्वर क्षेत्र में स्नान न किया जाए तब तक गोदावरी स्नान का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। यह तीर्थ क्षेत्र अत्यंत रमणीय है और भगवान महादेव का मंदिर भी बहुत सुंदर और दर्शनीय है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।